So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who are preparing for Hindi lecture hour. And I hope this NVS interview is going to be very fruitful for all of you. So first of all, I want to meet our Monica madam. And she is from Jaipur, right? So if you have NVS clear, it's a very good thing. It's a matter of pride. So Kavita from Gurugram, okay? Then Mr. Krishna and he is from Mendergarh, Haryana, right? So let us come with new topics. Today I have brought you some questions for Hindi. पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि ये लोग भी आपसे क्वेश्चंस पुट अप करें तो कविता एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क यस सर श्योर प्लीज मोनिका आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए मैम माय स्ट्रेंथ आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंस लेडी मैडम आप हिंदी सब्जेक्ट के हैं है ना तो ऑप्टिमिस्टिक और कॉन्फिडेंस आपकी स्ट्रेंथ है राइट तो आप जानते हैं कि इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है जी सर बताइए ऑप्टिमिस्टिक मतलब आस्तिक ओके आशावादी आशावादी ओके और कॉन्फिडेंस विश्वास ओह दैट्स ग्रेट मैं आत्मविश्वास है आपको दैट्स ग्रेट चलिए केशवदास की रचनाओं के बारे में कुछ बताइए श्योर सर केशवदास जी का की रचना बताने से पहले मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी केशवदास जी का जन्म 1555 में हुआ था और सर इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक भी कहा जाता है इनकी जैसे रचनाएं रसिक प्रिया कवि प्रिया विज्ञान गीता जहांगीर जस चंद्रिका आदि ओके तो मिस्टर कृष्ण हमारे साथ नए हैं ठीक है इनका आज फर्स्ट डे ही है तो मैं चाहता हूं कृष्ण भी एक क्वेश्चन पुट अप करे आपसे ताकि ये भी आपसे फैमिलियर हो यस कृष्ण यू कैन हैव क्वेश्चन यस सर एंड व्हाट आर योर हॉबी यस सर माय हॉबी इज रीडिंग टीचिंग एंड वॉचिंग द मोटिवेशनल स्टफ वेरी गुड एंड नए नए लोगों से मिलना गुड आप जो मोटिवेशनल स्टफ पढ़ते हैं बुक्स पढ़ते हैं उनका फायदा क्या होता है आपको सर मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने से और उनको उनकी वीडियो देखने से सर हम खुद मोटिवेट होते हैं और जिससे कि हम सर जहां हम जाने वाले हैं जिस फील्ड में उन बच्चों को भी हम मोटिवेट कर सकते हैं वेरी गुड भारत भारती के संबंध में आप क्या जानते हैं श्योर सर भारत भारती का रचनाकाल 1912 है जो कि मैथिली शरण गुप्त ने इसकी रचना की थी और सर ये एक ऐसी रचना है जिसमें राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति प्रतीत होती है और ऐसा माना जाता है कि इस रचना को लिखने के बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त भी कर लिया गया था ओके रामधारी सिंह की उर्वशी रचना के बारे में कुछ बता सकते हैं हाँ सर बताइए सर उर्वशी की रचना 1961 में रामधारी सिंह दिनकर जी ने की थी और सर इसे 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ का दूसरा पुरस्कार भी मिला था ओके और राउल बेल के संदर्भ में कुछ बताइए हाँ सर राउल बेल एक शिला पे लिखित कृति है शिलांकित कृति है और सर ये एक चंपू काव्य भी कहते हैं चंपू में सर इसमें गद और पद दोनों का मिश्रण है इसमें राजस्थानी भाषाओं का बहुत प्रयोग किया गया है ओके और 2019 में सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया जी सर सर 2019 में जो 28वां सरस्वती सम्मान है वो के शिवा रेड्डी को मिला था जो कि एक तमिल कवि है जो कि इनकी रचना है इनकी पक्का की ओटी ग्लीटे ओके यस सर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत पढ़कर आए हो अपने टॉपिक को 2018 का बताइए जरा हाँ जी सर 2018 को मिला था जो कि 27वां सम्मान था ओके सितांशु यशचंद्र को मिला था सर उनकी पुस्तक थी बखार के लिए गुड भारतेंद्र कालीन सर की विशेषताएं बता सकते हैं हाँ सर ट्राई कीजिए सर भारतेंदु कालीन की कविताओं में सर राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों का द्वंद मिलता है और इस काल में सामाजिक सुधार से रिलेटेड कुछ अनेक क्रियाएं की गई थी सर इसमें जो गद की भाषा थी उसको तो खड़ी बोली रखा गया था और पद की भाषा को ब्रजभाषा में रखा गया था ओके और सर इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में अनेक विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ था जैसे उपन्यास कहानी नाटक ओके आप एनवीएस के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस है आपने एनवीएस के लिए कुछ प्रिपरेशन किया होगा तो थोड़ा सा एनवीएस के बारे में बताइए हमको सर एनवीएस एक ऐसी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1985 में राजीव गांधी द्वारा की गई थी और सर उस टाइम पे 1986 में एक नीति चली थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो उसके थ्रू ऐसा ये संकल्प लिया गया था कि जैसे ऐसे रूरल एरियाज में कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अपनी स्टडी को अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनको एक उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए सर इन स्कूल की जो कि आवासीय होते हैं इनकी स्थापना का निर्णय लिया गया था वंडरफुल छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम बताइए जी सर छायावाद के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद जिनका जीवन काल है 1889 से 1947 और दूसरे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जिनका जीवन काल है 1896 से 1961 तीसरे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जिनका जीवन काल है 1900 से 1977 और फोर्थ कवियत्री हैं महादेवी वर्मा उनका जीवन काल है 1907 से 1979
ओके, छायावाद के व्रत रही और लघु रही में क्या फर्क क्या दोनों? सर, व्रत रही में तो ओनली 3 कवि आते हैं जो कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत हैं, और लघु रही में जो आती है महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और रामकुमार वर्मा। मींस वर्मा इज क्यों कॉमन। चलिए मैडम, कविता एनी क्वेश्चन यू आर हैविंग? मैम, व्हाई डू वी सेलेक्ट ओनली यू? मैम, यद्यपि मैं उन लोगों से अपने आप को कंप्रेस तो नहीं करवा सकती जो कि मेरे साथ ही लाइन में खड़े हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ कि यदि मुझे आप चुनते हो तो मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं मेरे बच्चों को अपनी सब्जेक्ट में अच्छा बना दूंगी और प्रतिभाशाली बनाऊंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप में है वो कॉन्फिडेंस? श्योर सर। वेरी गुड। हाँ जी सर। व्हाई बिकम ए टीचर? व्हाई यू बिकम ए टीचर? सर, जैसा कि हम जानते हैं कि टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन, और मैं सर इस प्रोफेशन का बहुत रेस्पेक्ट भी करती हूँ फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट, क्योंकि सर एक न केवल एक हेल्दी लाइफ जीना ही एक अच्छा नहीं होता सर, बल्कि एक सेल्फ आत्मसंतुष्टि के लिए भी मैं सर इस पेशे को चुनी हूँ सर। ओके, निमन रचनाओं की आपको रचिता बतानी है। अच्छा, तो जूही की कली। हाँ सर, बता सकते हैं? जूही की कली की रचना सर 1916 में हुई थी। okay. और इसकी रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। और उर्वशी? उर्वशी की रचना 1961 में हुई थी, इनके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। ओके, और उनके निराला सर, सॉरी निराला, सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं, कई बार इंसान से गलती होती है, मगर आप इंटरव्यू, क्योंकि ये तो मॉक सेशन चल रहा है, रियल इंटरव्यू में अगर आपसे गलती ना हो दैट इज वेल एंड फाइन। कामायनी के बारे में बताइए सर, कामायनी कौन है रचयिता? सर, कामायनी की रचयिता जयशंकर प्रसाद है। okay. और इसका रचनाकाल 1935 है। वेरी गुड। और कुरुक्षेत्र का? कुरुक्षेत्र की रचनाकाल 1943 है और इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। वेरी गुड। और असाध्य वीणा, इनके बारे में? सर, असाध्य वीणा की रचयिता अगे जी है और इसका रचनाकाल 1961 है। वेरी गुड। और हिमंतगिरी के में बारे में बता? हाँ सर, हिमकेरेटनी की रचना 1943 में की गई थी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा, और सर इन्हीं की एक और कविता है हिम तरंगिणी, जिसकी रचना 1949 में की गई थी, और सर इसे हिम तरंगिणी को एक राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है दूसरा। तार सप्तक के कवियों के नाम बता सकते हैं? हाँ सर, तार सप्तक का प्रकाशन अगे जी ने 1943 में किया था, और सर इसमें 7 कवियों को लिया जाता है, राम कुमार वर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, अगे, मुक्तिबोध। ओके, रीतिकाल के कवियों को किन भागों में बांटा गया है? सर, रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया है, पहला रीति सिद्ध, दूसरे रीति बद्ध और तीसरे रीति मुक्त। सर, रीति सिद्ध में वो रीति सिद्ध के कवि हैं बिहारी, नेवाज, वृंद, सेनापति, और रीति बद्ध में हैं केशवदास, मतीराम, भूषण। ओके सर, और रीति मुक्त के हैं सर घनानंद, आलम, बोधा, नेवाज। वेरी गुड। और हिंदी का प्रथम कवि बताइए? सर, हिंदी के प्रथम कवि वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, जैसे राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, चंद्रबरदाई ने सर पुष्पदंत को, शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को माना है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो है सर राहुल सांकृतायन जी का, जो कि स्वयंभू को माने हैं। ओके, साधनात्मक और रहस्यवाद और भावनात्मक? यस सर, दोनों में फर्क सर, है सर, साधनात्मक रहस्यवाद संत काव्य से रिलेटेड है और भावनात्मक रहस्यवाद सूफी काव्य से रिलेटेड है। सर, साधनात्मक काव्य में आत्मा और परमात्मा के मिलन को बताया गया है, और भावनात्मक रहस्यवाद में अनुभूति भावनाओं को बताया गया है। ओके, मीरा के प्रभु गिरिधर, आपने दोहा सुना होगा? हाँ सर, थोड़ा पूरा सुना सकते हैं? मीरा के प्रभु गिरधर नागर सर, हरसी हरसी जस गायो। अलंकार बता सकते हैं इसमें कौन सा है? हाँ सर, सर अलंकार इसमें सर हरसी हरसी, तो सर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि सर ये हरसी हरसी वर्ड 2 बार आया है। okay. और जब सब सर जब वर्ड की 2 बार आवृत्ति होती है एक ही वर्ड की, तो सर उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं, और साथ ही उन वर्ड को उस वर्ड में मीनिंग भी अलग नहीं होना चाहिए सर, मतलब इसका अर्थ भी अलग नहीं होना चाहिए। वंडरफुल। पर्वत के पर्यायवाची बता सकते हैं? सर, गिरिधर, शेल, अचल, महीधर, भूमिधर आदि। वेरी गुड। अध्यापक में कौन सी संधि लगती है? सर, यण संधि। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अधि प्लस आपक। okay. तो सर ई का और आ मिल के यह बनेगा
क्योंकि ये सर संधि का नियम है कि ई का यह हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है और री का रह हो जाता है। ओके, शब्द शक्ति से आप क्या मानते हैं? सर शब्दों का जो बोध कराती है उन्हें ही शब्द शक्ति कहते हैं। और सर शब्द और अर्थ के बोध से ही शब्द शक्ति का निर्माण हुआ है। और सर तीन प्रकार की होती है, अभिता शक्ति, व्यंजना शक्ति और लक्षणा शक्ति। ओके, भारतेनु हरिश्चंद्र ने कितनी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है? यस सर, सर भारतेंदु जी ने 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। पहले कवि वचन सुधा जो कि 1568 में, दूसरी है बाला बोधनी 1863। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिए हिंदी आपके सर की बहुत अच्छी नहीं है तो उसके लिए सॉरी बोलते हैं, पूरी कोशिश करते हैं रीड करने की पर फिर भी गलतियां हो जाती हैं, पर नो प्रॉब्लम। पर आपने जो भी आंसर दिए बहुत अच्छा लगा, कम से कम 90% इनका अच्छा नॉलेज है, राइट? और आपकी वीकनेस क्या है? सर आई एम लिटिल टॉकेटिव। फातू नहीं है, फिर तो आप बातें बातें करेंगी, पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को? नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं बच्चों को अपने में इन्वॉल्व करके उन्हें कुछ अच्छा ज्ञान दूंगी सर। ओके, आप जयपुर से बिलोंग करते हैं? हाँ सर। ओके, और आपकी मैरिज जयपुर हुई है या आपके पेरेंटली जयपुर में रहते हैं? सर मैरिज भी जयपुर हुई है और मैं पेरेंटली भी जयपुर से बिलोंग करती हूँ। दैट्स ग्रेट, तो जयपुर में आपने कुछ देखा होगा? हाँ सर। बताइए। सर जयपुर में बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है जैसे जंतर मंतर, हवा महल, बिरला मंदिर, राइट इस प्रकार। ओके, सो मैडम आपको क्या लगता है लेवल ऑफ कैसा इनका डेवलपमेंट? सर अच्छा है, वाकई में लग रहा है कि डेवलप हो जाएंगे। अभी आपको 2 डेज कवर हो चुके हैं, आपका 3rd डे है, कैसा फील कर रहे हो आप? सर बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है, हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। ठीक है, हिंदी के टीचर हैं आप और हम चाहते हैं कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा बनी रहे, राइट? नो डाउट, हम इंग्लिश के टीचर हैं पर हम इंग्लिश को हिंदी को रेस्पेक्ट तो करेंगे भाई, हमारी देश की भाषा है, राइट? सो वी रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट यू और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप एक सक्सेसफुल टीचर बने। ओके, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ। थैंक यू।